अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ज्वलंत विषय है। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में तो लगभग हर विषय ही ज्वलंत ज्वलंत रहा है, जो नहीं भी रहा है उसको बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यहाँ का एक ज्वलंत विषय रहा। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा हम लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया था अध्यक्ष महोदय, जहां हम लोगों ने सरना आदिवासी कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को यहां से पारित करके भेजा था। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, साढ़े ग्यारह करोड़ से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या इस भारतवर्ष में है। अध्यक्ष महोदय, जो पिछले जनसंख्या के सेंसेक्स में अंकित है। अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े ताकत के साथ झारखंड के आदिवासियों ने अपनी आवाज बुलंद की थी, उसके आधार पर हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित करके भेजा था। अध्यक्ष महोदय, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि देश में इन आदिवासियों से कम जनसंख्या वाले समूह को भी आज जनसंख्या के जनगणना के कॉलम उनको मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इनसे कम जनसंख्या वाले को तो आखिर आदिवासियों क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, इनके लिए अलग से सरकार विभाग बनाती है, अलग से मंत्री बनाती है, काउंसिल बनाती है, अलग बजट प्रावधान करती है, और उनको पहचान देने में क्या दिक्कत है अध्यक्ष महोदय भारत सरकार? और अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य आज नहीं है, वो अपने बच्चे के इलाज में बाहर हैं। सुदीप्त गिरिडीह विधायक हमारे सदन में जब उन्होंने कहा था कि जब ये सरना कोड पारित हो रहा था तो आधे अधूरे मन से हमारे विपक्ष के लोगों ने सहयोग सदन में हामी जताई थी, तब पूरा विपक्ष खड़ा हो गया था मतलब विरोध करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, और आपने भी देखा था अध्यक्ष महोदय, और उस समय किसी तरीके से समय पार हुआ अध्यक्ष महोदय। और तो और, हमारे माननीय राज्य के बड़े नेता कहे जाने वाले हमारे बाबूलाल मरांडी जी, इस संबंध में उन्होंने एक बयान दिया अध्यक्ष महोदय, और बड़ा ही मुझे आश्चर्य हुआ, कितने विद्वान होने के बाद भी इनका ऐसा बयान आना, मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने आदिवासी को हिंदू बता डाला। मुझे लगा कि आप फिर पलटी मार दिए क्या इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, बड़ा, और इनका ही एक अध्यक्ष महोदय, एक इनका व्हाट्सएप फेसबुक में ही आया है अध्यक्ष महोदय, जहां बोला इन्होंने अपने से लिखा, इनका फेसबुक ट्विटर हैंडल का ये कॉपी है अध्यक्ष महोदय, जहां इन्होंने कहा है सरना को मिले अलग धर्म का दर्जा। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये जो सत्र में हम लोगों ने पारित किया था, जो उन्होंने उस समय सहमति जताई थी, जो हंसी उनके चेहरे पर था वो अंदर खाने की हंसी थी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में थोड़ी बात कहना चाहूंगा इनको, अगर इतने हिंदू के प्रति इनका प्यार है, ये खुद क्या है, तो थोड़ा सा जहां से धर्म का और समाज का सृजन होता है उसके लिए थोड़ा समाज शास्त्र मानव विज्ञान में जाकर के थोड़ा सा झांक लिया अध्यक्ष महोदय कि ये चीजें होती कैसी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक आदिवासी हूं अध्यक्ष महोदय, यहां कई लोग आदिवासी हैं, और हम लोग अध्यक्ष महोदय कहानी मात्र नहीं है, हम वास्तविक है अध्यक्ष महोदय,
हमारी पूजा पद्धति यथार्थ है अध्यक्ष महोदय। प्राकृतिक पूजा के रूप में हमारी संस्कृति ना अलग होती तो शायद इस देश में जंगल भी ना होता अध्यक्ष महोदय। पता नहीं हमारे सहयोगी क्यों इस लोकतंत्र के मंदिर का मजाक उड़ाते हैं अध्यक्ष महोदय, क्यों आदिवासियों का मजाक उड़ाते हैं अध्यक्ष महोदय। देश दुनिया के आदिवासियों ने पता नहीं क्या अपराध कर लिया अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से ये लोग आदिवासियों के प्रति इस तरीके से लगातार प्रहार करने में लगे हुए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर, रानी दुर्गावती, रामजी गौंड, गोविंद गुरु, जतरा टाना भगत, पोटो हो, नारो हो, त्यांगा भील के वंशज, एकलव्य के हम लोग वंशज में आते हैं अध्यक्ष महोदय। महाभारत में भी थे अध्यक्ष महोदय और रामायण में भी थे अध्यक्ष महोदय और वहां भी हास्य में रहे अध्यक्ष महोदय। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें बहुत सम्मान दिया हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस समाज को इस दास भाव से बाहर निकालना होगा अध्यक्ष महोदय। इसमें सदन की संरक्षण भी इस समुदाय को मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। पता नहीं हमारे ऐसे विद्वान और बड़े हमारे नेतागण अपने वक्तव्य को क्यों बदल देते हैं अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय। इसी पर हमने एक, चूंकि थोड़ी बहुत हम लोगों ने इनकी बातों को सुनने के लिए बनाया, थोड़ा सब लोग सुने तो हमारे सहयोगी चले गए, तो इस पर भी हमने एक दो पंक्ति सदन में रखने का मैं कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। वो इस प्रकार है, हुजूम देख के हम रास्ते नहीं बदलते, किसी के डर से हम तकाजा नहीं बदलते।